हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। एक्सेस में एक खास किस्म का फॉर्मूला है जिसका नाम है डी लुकअप। जी हां, वी लुकअप की बात नहीं कर रहा, डी लुकअप की बात कर रहा हूं। अब ये डी लुकअप कैसे यूज होगा आइए दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक्सेस ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर ये 2021 है, इसको ओपन करता हूं मैं और यहां पर सीधा चलेंगे कहां पे, ब्लैंक डेटाबेस पे। ये जो ब्लैंक डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे चलना है, क्लिक करना है सीधा। तो क्लिक कर दिया, अब यहां पर आपको डेटाबेस का नाम आ रहा है, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिलहाल मैं यही रहने देने वाला हूं, ठीक है। अब यहां से क्रिएट दिखाई दे रहा होगा तो क्रिएट पे कर दीजिए क्लिक, देर किस बात की है, कर दिया क्लिक, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ये सिनेरियो नजर आता है। अब आपको कहां जाना है, ये देखिए व्यू दिया है ना, तो यहां से आ जाइएगा डिजाइन व्यू, ये डिजाइन व्यू दिख रहा है, यहां पे आ जाइएगा और यहां पर इसको जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे दे देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। इसे क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट। इस टेबल को नाम दे दिया स्टूडेंट। अब यहां पर आईडी आ रही है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखता हूं, ये नेम ऑफ स्टूडेंट, बिना गैप के लिखा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया, यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। और यहां पे फादर्स नेम कर देता हूं, नेम ऑफ फादर कर देता हूं, ये लिखा नेम ऑफ फादर। तो यहां पर भी कोई गैप नहीं दिया मैंने, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप गैप देना चाहते हैं तो उसकी जगह अंडरस्कोर लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहां पर ओके किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट का नेम देना है, जो भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहां पे लिखता हूं रितेश, ठीक है। फादर नेम ओम प्रकाश, ठीक है। और यहां पे सुमित, फादर नेम राम सिंह। और यहां पे आते हैं रिंकू, फादर नेम युवराज, राज फादर नेम रमेश। ये कुछ इस तरीके से दे दिया है, ठीक है, देख सकते हैं ना। अब हमको एक क्वेरी लगानी, अब डी लुकअप यूज कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे, अगर हमको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। तो फिलहाल तो ये स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है, यहां पर आते हैं सीधा और हम एक क्वेरी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेरी बना सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद ये जो टेबल दिख रही है इसको खींच के यहाँ लाइए और ये सारे फील्ड्स ले लीजिए। इन सब की जरूरत पड़ने ही वाली है तो एक एक करके सब ले लेते हैं हम। यहाँ पे जाएंगे, ये सारा आ चुका है, देख सकते हैं आप, दोबारा जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लगा रहा हूँ तो दूंगा, जैसे यहाँ पर हम क्वेरी बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा इसे क्यू टी वाई, क्यू टी वाई दे देते हैं, क्यू टी वाई क्वेरी, QRY कर देते हैं, QRY कर दिया, ठीक है। और क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पे कॉलन लगा लीजिएगा, कॉलन जिस तरीके से मैंने लगाया है बिल्कुल वैसे ही आपको भी लगा लेना है, ठीक है। मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ आपको, पूरा अच्छे से दिखेगा एकदम क्लियरली, ठीक है। ये देखिए, ये QRY कर दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे डी लुकअप लगाना है तो डी लुकअप लगाइए, ठीक है। ये डी लुकअप हो गया। डी लुकअप फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना है। देख लीजिए ये डी लुकअप है, वी लुकअप बिल्कुल नहीं है, ये वी लुकअप फॉर्मूला नहीं बता रहा है, डी लुकअप फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर बस आपको रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं पास करना है, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया, अब ये ओपन हो गया ब्रैकेट। अब करना क्या है, यहां पर आपको सबसे पहला काम करना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर। कैसे लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर। तो डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, ठीक है। ये ओपन हुआ डबल इनवर्टेड कॉमा, और यहां पर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, बिना गैप के लिखा गया है तो बिना गैप के हम भी यहां पर टाइप करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैंने टाइप किया बिल्कुल वैसे ही आपको टाइप करना है, थोड़ी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर यहां पे लगाना है कॉमा, क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट ये हमने कर दिया है, कॉमा भी लगा दिया है। ये नेम ऑफ स्टूडेंट कौन से टेबल से आना चाहिए, तो स्टूडेंट वाले टेबल से आना चाहिए, कौन से टेबल से, स्टूडेंट। देखिए ना, टेबल का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट ही तो है, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आना चाहिए स्टूडेंट वाले टेबल से। यहाँ पे स्टूडेंट देख भी सकते हैं आप, और जिनका की देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिख देंगे आप तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ नेम ऑफ फादर आपको नहीं लेना है, यूनिक फील्ड एक चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं आईडी, ठीक है। तो आईडी कर देते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा गया आईडी इज इक्वल टू 2, जिनकी आईडी 2 हो उस स्टूडेंट का नेम हमें बताइए, ठीक है। और यहाँ से ओके करना है, और ओके करके यहां से रन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं जिनकी आईडी 2 है वहां, यहां पर क्वेरी चल गई है और उनका नाम क्या है, सुमित है। तो हम अपने टेबल में आके एक बार चेक भी करेंगे
कि क्या उनका नाम सुमित है। देखिए वैसे यहां पे तो दिखाई ही पड़ रहा है कि यहां पे आईडी जिनकी 2 है उनका नाम सुमित है। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूं, यहां पे दिखाता हूं आपको कैसे सुमित है। ये देखिए यहां पे डबल क्लिक करके आते हैं तो यहां देखिए ये सुमित देख रहे हैं, तो आईडी इनकी क्या है, 2 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें चेंज करेंगे या क्वेरी और भी आप इसमें क्वेरीज लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो QRY हो गया, यहां पे फिर QRY2 करेंगे तो दूसरी क्वेरी लगा सकते हैं। तो यहां से जाकर दूसरी क्वेरी लगा लीजिए आप, ठीक है। वही DLOOKUP फंक्शन है, तो DLOOKUP ये लगाया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया और इस बार नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये कर दिया हमने डबल डॉट कॉमा में। और ये आएगा कहां से, ये स्टूडेंट वाली टेबल से आएगा, तो ये स्टूडेंट वाली टेबल का नाम लिख दिया, फिर कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद क्या करना है, कॉमा देने के बाद यहां पर आपको आईडी दे देनी है। तो यहां पे आईडी दिया हमने, आईडी इज इक्वल टू 1, इस बार 1 कर दिया, तो 1 करेंगे तो देखेंगे कि 1 वाले का ही डिटेल यहां पे सामने आएगा। तो देखिए यहां पे मैं करके दिखाता हूं, यहां से रन कर लिया, ठीक है। यहां पे देखिए डबल डॉट कॉमा मिस हो रहा है, तो ये ओपन कर लीजिएगा जरूर। और यहां पे अब देखिए अब क्या है, 1 वाले का क्या है, तो यहां पे आ रहा है रितेश, तो जो जिसकी आईडी 1 है उसका क्या है, रितेश ही तो है। यहां पे देखिए आईडी 1 का रितेश है, और यहां आप टेबल में भी देख सकते हैं आईडी 1 का रितेश ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं DLOOKUP का यूज। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।